क्वेश्चन नंबर एक, दीपशिखा किसकी रचना है? ए माधवी वर्मा की, बी सुमित्रानंद पंत की, सी लक्ष्मी पंडित की, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए माधवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना का कारण है? ए केशिकत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ए भारत में, बी ब्रिटेन में, सी अमेरिका में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर है सी राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः, जातक किसका ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी दोनों, डी किसी का भी नहीं। तो आपका सही आंसर है बी बौद्ध धर्म का जातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो आपका सही आंसर है सी 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। क्वेश्चन नंबर आठ, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ए गाजर, बी मूली, सी सेब, डी सभी। तो आपका सही आंसर है ए गाजर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना में क्या पाया जाता है? ए ताबा, बी लोहा, सी निकिल और डी सभी। तो आपका सही आंसर है ए ताबा पाया जाता है राजस्थान के खेतड़ी में। क्वेश्चन नंबर दस, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नहीं है ए DRDO के, बी यूनेस्को के, सी इसरो के, डी किसी के भी द्वारा नहीं। तो आपका सही आंसर है बी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।